Then I put him back on my right hand. This time I lengthened the string. I made it about 6 inches long. Then मैंने उसे वापस अपने राइट हैंड पर रखा. इस बार मैंने स्ट्रिंग की लेंथ बढ़ा दी. मैंने उसे तकरीबन 6 इंच लंबा कर दिया. With superb balance, William walked step by step along the string until he reached the cake. He was rewarded with another nibble. William आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रिंग पर एक उम्दा बैलेंस के साथ चला जब तक कि वो केक तक जा पहुंचा. उसे एक और केक के पीस से नवाजा गया. Quite soon, William was walking a 24-inch tightrope or rather tight string from one hand to the other to reach the cake. He was enjoying himself tremendously. जल्द ही William 24 इंच की मजबूत रस्सी पर एक सिरे से दूसरे सिरे तक चल रहा था केक तक पहुंचने के लिए. वो खुद भी बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा था. I was careful to hold the string near the carpet so that if he did lose balance, he wouldn't have far to fall. But he never fell. William was obviously a natural acrobat, a great tightrope walking mouse. मैं स्ट्रिंग को कारपेट के करीब बहुत ज़्यादा केयरफुली पकड़े हुए था कि अगर वो अपना बैलेंस खो भी दे तो वो गिरने के लिए ज़्यादा ऊंचाई पर ना हो. लेकिन वो कभी नहीं गिरा. ऑब्वियसली विलियम एक नेचुरल एक्रोबैट मींस करतब दिखाने वाला था. स्ट्रिंग पर वॉक करने वाला एक बेहतरीन माउस. नाउ इट वॉज मैरीज टर्न. I put William on the carpet beside me and rewarded him with some extra crumbs and a currant. अब मैरी की बारी थी. मैंने विलियम को अपने साथ कारपेट पर रखा और एज अ रिवॉर्ड उसे कुछ एक्स्ट्रा क्रम्स और किशमिश दिए. देन आई स्टार्टेड गोइंग थ्रू द सेम रूटीन ऑल ओवर अगेन विद मैरी. देन मैंने मैरी के साथ इस तमाम अमल को दोबारा दोहराना स्टार्ट किया. मींस मैरी को भी विलियम की तरह एक अच्छे बैलेंस के साथ मजबूत रस्सी पर चलना सिखाना शुरू किया.